हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट प्रजी सीरीज मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर फ्री ओनली एट तो भाई बच्चों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं द मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रेपरेशन और परफॉर्मेंस को कर सकते हैं और भी ज्यादा एनहस सो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी रेडी होंगे मेरे साथ इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए तो भाई फिर देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम के साथ द रूट्स दैट अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड आर सो हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे रूट्स जो कि किसी जर्मिनेटिंग सीड के रेडिकल को छोड़ के किसी भी अदर प्लांट पार्ट से डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं सो अवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए टैप रूट ऑप्शन बी फाइब्रस रूट ऑप्शन सी निमेटोफोर्स या ऑप्शन डी एडवेंटिशियस रूट्स सो आई होप आप सभी को याद होगा मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो तो so, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ाए थे वहाँ पर टाइप के रूट सिस्टम भी पढ़ाए थे सो so, आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा द ऑप्शन which इज करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी adventitious रूट्स याद है ना Adventitious रूट्स के केस में जो प्लांट पार्ट्स हैं वो वेरियस प्लांट पार्ट में से आपको रूट्स का यू you नो know, formation दिखाई देगा It इज नॉट गोइंग टू arise फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड ओके While अगर हम टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था इनका जो प्राइमरी रूट होता था वो arise करता था फ्रॉम द रेडिकल याद है ना डायरेक्ट elongation ऑफ रेडिकल से सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर here इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर टू के साथ दैट दैट थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर द रूट रूट इज कॉल्ड सो पे आपको जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे हम क्या बुलाते हैं सो अगर ऑप्शन दार ऑप्शन ए कोलियोटाइल ऑप्शन बी कोलियोराइजर ऑप्शन सी रूट कैप या ऑप्शन डी शील्ड तो याद कीजिए मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो जहाँ पर मैंने आपको रीजन ऑफ रूट पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था रूट की टिप पर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि रिजेंबल करता है लाइक अ थिम्बल तो सपोज अगर ये रूट का एक सेक्शन है ओके okay, तो आपको यहाँ एट द टर्मिनल पोजीशन आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है राइट right? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर कहलाता क्या था भाई वी यूज टू कॉल इट द रूट कैप इज इट सो ये है द रूट कैप और इसका क्या फंक्शन होता था इट यूज टू प्रोटेक्ट द रूट अपाइकल मेरिस्टेम जो कि इस रूट कैप के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट थी ना तो यहाँ पर जो मेरिस्टमैटिक सेल प्रेजेंट होते थे ना जो कि रीजन ऑफ ज़ोन बनाते थे तो तो प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनी डैमेज ओके सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर वुड बी ऑप्शन सी रूट कैप कोल्युबाइल और risa, आपको रूट के केस में देखने को नहीं मिलेंगे राइट ये आपको मोनोकॉड सीड के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि शील लाइक स्ट्रक्चर होते हैं को कवर करके रखता है या शील्ड करके रखता है और कोलियोराइजा द रेडिकल को कवर करके रखता था ओके सो so, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको रूट में देखने को नहीं मिलेंगे ओके सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर वुड बी ऑप्शन सी रूट कैप तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर थ्री को दैट से प्रॉप रूट्स आर फाउंड इन सो प्रॉप रूट्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं अब ऑप्शन आर ऑप्शन है राइजोफोरा ऑप्शन बी बैनियन ऑप्शन सी मेज या ऑप्शन डी शुगर के सो so, प्रॉप रूट्स आई होप आप सभी को याद होंगे कैसे रूट्स होते थे बेसिकली ये मॉडिफाइड रूट्स होते थे फॉर सपोर्टिंग द प्लांट ओके तो इनका फंक्शन क्या होता था टू सपोर्ट द प्लांट और ये अराइज कहाँ से करते थे सो दे यूज टू अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ओके और ये ग्रो करते थे वर्टिकली डाउनवर्ड राइट तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करते थे so, इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है टू गेट टू दंसर सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी बैनियन राइट तो बैनियन केस में आपको यह रूट देखने को मिलते हैं सो so, मैं कार्टूनिस्ट फॉर्म में अगर बैनियन ट्री ड्रॉ करूं फॉर यू टू रेफर तो कुछ ऐसा ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूं आप देखिए यहाँ से आपको कुछ रूट्स अराइज करते हुए दिखते हैं ओके okay, और ये जो रूट्स हैं ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर रहे हैं और जाके जब ये ग्राउंड को टच करते हैं सो दे बेसिकली फिक्स दम सेल्फ इन दैट ग्राउंड और जब ये फिक्स कर लेते हैं अपने आप को इन ग्राउंड पे सो so ये सपोर्ट देते हैं फॉर द ट्री टू स्टैंड इरेक्ट ओके सो ऐसे में ये पिलर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं फॉर द ट्री टू स्टैंड स्ट्रेट तो इसका मतलब क्या हुआ इन रूट को हम एक और नाम से भी बुलाएंगे दैट इज द पिलर रूट्स सो प्रॉप रूट्स या पिलर रूट्स आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ बैनियन ओके रही बात राइजोफोरा की तो वहां आपको सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड रूट नहीं देखने को मिलते थे मतलब वहां पर आपको रेस्पायरेटरी रूट देखने को मिलते थे विच कॉल्ड द न्यूमैटोफोर्स, ओके okay? अगर हम बात करें मेज तो शुगर केन की तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते थे स्टिल्ड रूट्स, जो कि लोअर नोड से आपको जो वर्ल्ड की तरह निकलते हुए कुछ रूट्स दिखाई देते थे सो दो वर द स्टिल्ड रूट्स, बट हमसे यहाँ बात की जा रही है प्रॉप रूट्स की सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी बैनियन ओके तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर फोर को दैट इज न्यूमेटोफोर्स आर तो बेसिकली अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको न्यूमेटोफोर्स का नेचर बताना है कि वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं या ऑप्शन बी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं या ए जियोट्रॉपिक हैं या फिर डाय जियोट्रॉपिक है सो so, न्यूमेटोफोर्स के बारे में आप सभी को पता ही है ये रेस्पायरेटरी रूट्स हैं जो कि आपको उन प्लांट्स की यू नो कंडीशन में देखने को मिलती हैं जहाँ पर वो प्लांट्स ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है इनसाइड द सॉइल सो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो अपने रूट्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो रिस्पायरेशन में उनको हेल्प कर सके सो एनोबिक कंडीशन को ओवरकम करने के लिए उनके रूट क्या करते थे वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते थे फ्रॉम द सॉइल टू द एटमोसफेयर ताकि एटमोस्फेयर से वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर सके सो so, ऐसे रूट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं ना ऊपर की तरफ ओके सो ऐसे टाइप के रूट्स को हम बुलाते थे द नेगेटिवली जिओट्रॉपिक रूट्स राइट सो न्यूमेटोफोर्स आर नेगेटिवली जिओट्रॉपिक रूट्स और एग्जांपल के तौर पे आप लेते हैं ऑफ राइजोफोरा तो राइजोफोरा में भी ना आपको कुछ ऐसी सी कंडीशन देखने को मिलती थी मान लीजिए ये मेन ट्रंक है ऑफ द ट्री ओके और ये इसकी सपोज रूट्स हैं ओके एंड ये है द सोइल लेवल ठीक है और सॉइल लेवल में आपको नहीं देखने को मिल रही है ऑक्सीजन तो वॉट विल हैपन आपको कुछ वर्टिकली अपवर्ड इस तरीके से रूट्स ग्रो करते हुए दिखाई देंगे ओके सो दे आर गोइंग टू कम आउट लाइक दिस ओके और इनमें आपको कुछ टाइनी ओपनिंग्स या पोर्स दिखाई देते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं इन द गैशियस एक्सचेंज राइट सो दीज आर द्यूमैटोफोर्स दीदार द ड्योम और आपको ये ग्रो करते हुए देखेंगे अंडर द सॉइल जो की है एन एरो तो दिस सॉइल इज हैविंग एन एरोबिक कंडीशन ओके, आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए नेगेटिवली जियो तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर फाइव को दैट व्हिच विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम सो हमको दिए हुए कुछ ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एक अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉलोकेसिया, ऑप्शन बी जमीन कन जिसे हम एमोर्फोफिलस भी बुलाते थे राइट ऑप्शन सी शुगरकेन या ऑप्शन डी जिंजर। सो so, याद कीजिए मैंने आपको अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ाई थी आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे और इनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे याद है? सो so, एक, एक करके डिस्कस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं द करेक्ट ऑप्शन सो कोलोकेशिया सो कोलोकेशिया जैसे हम बुलाते हैं अरबी याद है सो so, ये एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टैम होती थी ना जिसे हम बुलाते थे द कॉर्म ओके सिमिलरली जमीन का जिसे अमॉर्फोफिलर्स जिसका साइंटिफिक नेम है वो भी एक कॉर्म का ही

देवर अंडरग्राउंड मोडिफाइड स्टेम जो कि रिप्रेजेंट करते हैं द राइजोम याद है आप सबको एक ऐसा अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम जो कि ब्रांच होता था सो so, वो रिप्रेजेंट करता है द राइजोम दैट मीन्स जिंजर भी एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया सो वी आर फाइनली लेफ्ट विद ऑप्शन सी जो कि है करेक्ट ऑप्शन सो ऑप्शन सी शुगर केन इज नॉट अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम क्योंकि भाई वो एक एरियल स्टेम है आप सभी ने शुगर केन को देखा ही है ना वो एक इरेक्ट स्टेम है वहां अंडरग्राउंड पार्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा एज अ मॉडिफाइड स्टेम सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी शुगर केन इट तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर सिक्स को दैट सेज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग देंडरल सीन इन कोकम्बर पम्पकेन एंड वाटर मेलन्स इज रॉन्ग सो कोकम्बर पम्पकिन एंड वाटर मेलन जो कि कॉमनली होते हैं द गॉड्स उनके केस में जो टेंडरल्स आपको देखने को मिलते हैं उनसे रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर करना है आइडेंटिफाई सो रिम्बर वी हैव टू फाइंड द रोंग स्टेटमेंट ठीक है ऑप्शन ए देखते हैं दे आर सिलेंडर कॉयल स्ट्रक्चर्स परफेक्टली करेक्ट टेंडल्स जो है वो सिलेंडर कॉयल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना आपको यूजुअली सपोज ये एक स्टेम जा रही है जिसमें आपको ये एक लीफ अराइज करती हुई दिख रही है राइट सो सपोज दिस इज द लीफ और इस लीफ के यहां पर आपको इस तरीके से कुछ कॉयल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना इन्हीं को तो हम बुलाते थे द टेंडल्स राइट सो ये सॉफ्ट और सिलेंडर कॉल स्ट्रक्चर्स हैं दैट्स परफेक्टली करेक्ट और ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए हम करेंगे इसको एलिमिनेट याद कीजिए आपको एग्जिलरी बर्ड के बारे में मैंने बताया था ठीक आप इस फिगर में देख सकते हैं ये सपोज जारी है द स्टेम ओके और ये लीव है तो स्टेम और लीव के बीच में जो स्पेस खाली होती थी उसे हम क्या बुलाते थे द एग्जिल और इस एग्जिल से Uh, मैं आपको एक एक्सिलरी बट देखने को मिलती थी राइट बट यहाँ पर देखिए उस बट की जगह आपको ये कॉल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसका मतलब यहाँ पर इनकी एक्सिलरी बट ही मॉडिफाई होती है टू फॉर्म दीज टेंडल्स टेंडल्स ओवर हियर इन केस ऑफ दिज गॉड्स या फिर कोकम्बर पम्पकिन और ये Watermelon के केस में आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड पे प्रेजेंट होती है नो so ऑब्वियसली no. मैंने आपको पिछले ही वाले ऑप्शन में बताया है कि ये स्टेम की एक्जिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है दैट मीनस ये है वो इन करेक्ट स्टेटमेंट जो हमें फाइंड करनी थी दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन ओके फाइनली देख लेते हैं ऑप्शन डी को दैट दे हेल्प इन क्लाइंबिंग येस दे हेल्प इन क्लाइंबिंग ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है कैन बी एलिमिनेटेड सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी इट सेल्फ तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेवन को विश सेव विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज तो आपको दिए हुए पेयर्स में से मिस मैश्ड पेयर को करना है आइडेंटिफाई तो ऑप्शन आर ऑप्शन ए फ्लैट स्टेम को मैच किया गया तो पूछा क्या ये करेक्ट है येस इट्स करेक्टली मैस्ड याद है ना के केस में स्टेम मॉडिफाई होती थी टू फॉर्म अ फ्लैट एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द फाइलोक्लेट जो कि हेल्प करता था इन फोटोसेंथेसिस क्यों भाई ऐसा क्यों होता है कि इनकी स्टेम मॉडिफाई होकर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है रीजन वॉज कि इनकी लीव जो थी वो मॉडिफाई हो जाती थी इन टू राइट टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन ओके इसका मतलब ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो फोटोसिथेसिस परफॉर्म करनी ही होगी ना तो इस केसमेंट की स्टेम करती है फोटोसिथेसिस को परफॉर्म तो ये तो करेक्टली मैचड है इसलिए हम इसको कर देंगे एलिमिनेट क्योंकि वी हैव टू फाइंड द मिस मैच ओके ऑप्शन भी देखिए फाइलोड को मैच किया गया है विद ऑस्ट्रेलिया के एशिया तो फाइलोड याद कीजिए ये लीफ की पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता था जहां पर पिटियोल फ्लैटन हो जाती थी

बट एग्जाम्पल होता है इसका स्वीट पोटैटो तो यहां पर मिसमैश पेयर है क्योंकि इट हैड टू बी स्वीट पोटैटो जो कि क्या है एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है बल्कि जो पोटैटो यहां है वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जैसे हम बुलाते थे द ट्यूबर ओके सो दिस इज द मिसमैश्ड पेयर जिसको हमें फाइन करना था एंड फाइनली डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं जहां पर अंडरग्राउंड स्टेम को मैच किया गया है विद कोलोकेसिया दैट्स परफेक्टली करेक्ट क्योंकि कोलोकेसिया एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसे हम बुलाते हैं कॉर्प

और सपोज ये ग्राउंड लेवल है सो so, इस स्टेम की बेस से आपको एक लेटरल ब्रांच राइज करती हुई देखिए कि जो कि एरियली ग्रो कर रही है देखिए ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है टूवर्ड्स दी एयर एंड आफ्टर सम टाइम ये आर्च करती है डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड सो इस टाइप का मॉडिफिकेशन आपको इंडिकेशन दे रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सब एरियल स्टेम यानी कि ये स्टेम जो है वो आपको कुछ देर तक एयर में दिखाई देगी बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द ग्राउंड सो इस टाइप का सब एरियल मॉडिफिकेशन आपको क्या कहलाता था क्या इंडिकेट कर रहा है इसके नेचर के बारे में दैट वी आर टॉकिंग स्टोलन राइट तो स्टोलन के केस में आपको यह कंडीशन देखने को मिलती है सो so, हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि स्टोलन को प्रोजेस्ट करता है सो अवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए मिंट ऑप्शन बी पिस्टिया ऑप्शन सी या ऑप्शन डी बनाना सो आई होप आप सभी को एग्जाम्पल्स याद होंगे ऑफ द स्टोलन तो स्टोलन के केस में आपको एग्जाम्पल कौन कौन से देखने को मिलते थे याद कीजिए। कीजिएमिन एंड स्ट्रॉबेरी इंटेड मीन ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी

कुछ टफ्ट ऑफ लीव दिखाई देती थी कुछ इस तरीके से ओके okay, सो so यहां पर आपको देखने को मिलता था शॉर्ट इंटरनोड जो कि यह कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है और हर नोट से टफ ऑफ लीव आपको अराइव करती हुई दिखती थी सो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑफसेट ओके okay? और ये आपको देखने को मिलता था इन केस ऑफ इकॉर्निया एंड पिस्टिया पिस्टिया जैसे हम लोग वाटर लेटस बुलाते हैं और ऑब्वियसली इकॉर्निया को हम वाटर हाइसेंथ बुलाते हैं वही अगर हम बात करें बनाना एंड क्रिजांतम की तो कंडीशन जस्ट ऑपोजिट है वहां आपको देखने को मिलता है मॉडिफिकेशन वो कहलाता है सकर जहाँ पर क्या होगा कंडीशन कुछ तरह से होगी राइट कि आपको यहां पर स्टेम की बेस से ही एक लेटरल ब्रांच ब्रांचराइज करती हुई दिखेगी बट वो अंडरग्राउंड मूव करेगी हॉरिजॉन्टली और जब वो सॉइल के सर्फेस से ऊपर आ रही होगी तो वो आर्च करेगी अपवर्ड ना कि डाउनवर्ड राइट तो ये स्टोलन का केस है जहां पर एरियल होने के बाद वो डाउनवर्ड बेंड करती है वाइल इन केस ऑफ सकर जो कि आपको बनाना और क्रिजांतम के केस में देखने को मिलता है वहां पर अंडरग्राउंड तो हॉरिजॉन्टल जाती है बट जब वो एरियल होने जा रही होती है मीन्स इट इज अबाउट टू कम आउट तो वो आर्च करती है अपवर्ड सो दैट इज दस ठीक है तो ये है सकर के एग्जाम्पल सो so हमारा करेक्ट ऑप्शन इज गोइन टू बी ऑप्शन है तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर नाइन को दैट इज सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग तो बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखी हैं जिनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट के सेट को इन ऑप्शन में से करना है फाइंड तो चलिए देखते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट दैट इज थॉर्न्स आर वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीवस क्या ये करेक्ट है नो दिस इज इनकरेक्ट वाई बिकॉज थॉर्न्स के बारे में मैंने बताया था ये वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स तो हैं बट ये स्टेम के एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है लीव राइट right? तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट आपकी है इन करेक्ट ओके ठीक है देन वी सी द सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज पिस्टिया एंड एकॉर्निया आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफसेट्स तो जिनको हमने अपनी पिछले ही स्लाइड में डिस्कस किया है राइट right? तो पिस्टी एंड एकॉर्निया ऑफसेट के ही एग्जाम्पल्स हैं तो ये वाला मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है ना सब एरियल स्टेम का दैट इज करेक्ट ठीक है फिर हम देखते हैं द थर्ड वन दैट इज लीव्स आर ऑन द स्टेम इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन तो स्टेम पर लीव्स का अरेंजमेंट एक्रोपेटल सक्सेशन में है दैट मीनस समथिंग लाइक दिस की सपोज ये आपकी मेन स्टेम है जहाँ पर जो सबसे ओल्डेस्ट लीव है वो सबसे नीचे लगी है ओके okay? और फिर यंगर लीव्स ऊपर की तरफ अरेंज होंगी सो so, ये वाला जो सक्सेशन है दैट इज कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन दैट परफेक्टली करेक्ट रिगार्डिंग द लीव इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है फिर हम देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम एंड यू फोर बिया कैरी आउट फोटोसेंथेसिस तो ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम था ना जहाँ पर आप देख रहे हो कि जो स्टेम है वो सिलेंड्रिकल स्टेम फ्लैशी हो जाती है टू परफॉर्म फोटोसेंथेसिस ओके सो ये वाली कंडीशन भी रिलेटेड टू द यू फोरबिया इज करेक्ट इसका मतलब ये भी करेक्ट है अगर हम बात करें अपने फिफ्थ स्टेटमेंट की दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द स्टेम ऑफ द ब्रांच इज कॉल्ड विनेशन क्या ये करेक्ट है नो राइट द अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द ब्रांच बोला जा रहा है भाई ब्रांच पे लीव जिस तरीके से अरेंज है उसके अरेंजमेंट के पैटर्न को क्या हम वेनेशन बुलाते थे नो no. हम उसको बुलाते थे फिलोटैक्सी राइट वेनेशन तो लीव पे वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट को कहते थे दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट सो so, हमारी करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई भाई सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो देखिए कौन से ऑप्शन में सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को करेक्ट बताया जा रहा है दैट इज ऑप्शन बी सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी इट्स तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर टेन को दैट सेज द टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच टू द लीव बेस रिप्रेजेंट तो लीफ के लीव बेस पर आपको दो लेटरली अटैच जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं सो अगर ऑप्शन था ऑप्शन ए लीफ लैमिना ऑप्शन बी स्टिप्यूल ऑप्शन सी लेग्यूल या ऑप्शन डी ब्रैक्ट तो देखिए लीफ के केस में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था जिसमें कि आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लीव का देखने को मिलेगा ओके सो सपोज दिस इज द लीफ ठीक है अब लीफ में आपको जो जो ये लीफ बेस देखने को मिल रहा है ना द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यू नो एंटायर लीफ स्ट्रक्चर जो कि अटैच कर रहा है उसको विद द नोड ऑफ द स्टेम तो यहां पर आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइव करते हुए दिखते हैं जिन्हें हम क्या बुलाते थे भाई याद कीजिए इन्हें हम बुलाते थे द स्टिप्यूल्स तो इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी स्टिप्यूल्स ओके तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर को सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग तो दी हुई में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है लीफ लैमिना so ये करेक्ट है ना कि लीफ लैमिना जो कि फ्लैट एक्सपैंडेड पोर्शन होता है ऑफ द लीफ उसको रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो मतलब तो है इसलिए इसको कर दीजिए एलिमिनेट बिकॉज फाइंड इनकरेक्ट ओके ऑप्शन भी देखते हैं इन लेग्यूम्स लीव बेस में बिकम सोलन एंड केस लेग्यूम्स के में मैंने आपको बताया था उनका जो लीव बेस है दैट यूज टू टर्न सोलन राइट तो सपोज ये उनका लीव बेस है जो केस सोलन हो जाता है विच वी कॉल्ड द पल्बिनस तो ये भी परफेक्टली करेक्ट है स्टेटमेंट एजेंटेड सो ये करेक्ट है इसका मतलब इसको कर दीजिए आप भी एलिमिनेट देन वी सी ऑप्शन सी इन मोनोकॉड्स लीव बेस एक्सपेंड्स इन टू अ शीत कवरिंग द स्टेम होली और पार्शली तो ये भी परफेक्टली करेक्ट है मैंने आपको बताया था मोनोकॉड्स के केस में जो लीव बेस होता है वो शीदिंग होता है वो एक शीत की तरह अपनी स्टेम को पार्शली या होली कवर कर लेता है सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वे इसका मतलब इसको भी कर लीजिए आप एलिमिनेट राइट देन वी आर लेफ्ट विद फाइनली ऑप्शन डी देट इज मोनोकॉड लीव जो रेटिकुलेट विनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट राइट right? इसी को करना है हमको आइडेंटिफाई सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी क्योंकि मोनोकॉर्ड्स के पास मोनोकॉट लीव में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को नहीं मिलती है वी गेट टू सी द वेनेशन राइट सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पैरल वेनेशन और साथ ही फाइब्रस रूट सिस्टम तो आपको देखने को मिलेगा बट नॉट द रेटिकुलेट वेनेशन सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन डी तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर को दैट बर्ड कैन बी सीन प्रेजेंट इन दी एक्सिल ऑफ तो हमसे बोला जा रहा है आपको यू you नो know, इनमें से दी हुई किन स्ट्रक्चर्स के एक्सिल में एक बर्ड देखने को मिल सकती है तो आर ऑप्शन ए सिंपल लीफ ऑप्शन बी कंपाउंड लीफ ऑप्शन सी लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ या ऑप्शन डी बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ तो देखिए आपको मैंने हमेशा बताया था कि स्टेम और लीफ के बीच में जो एक्सिल प्रेजेंट होती है वहां पर बर्ड देखने को मिलेगी दैट वी कॉल एक्सिलरी तो वो आपको सिंपल कंपाउंड कंपाउंड या लीफ leaf के लीफलेट्स में क्या देखने को मिल सकती हैं ये बात को मैंने क्लैरिफाई भी किया था मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में राइट तो मैंने आपको बताया था कि सपोज ये एक स्टेम है और स्टेम से यहाँ पर अराइज कर रही है फर्स्ट केस में सपोज सिंपल लीफ सो ये आपकी सिंपल लीफ है so, यहाँ पर इस एक्सिल में आपको एक बर्ड दिखाई देगी विच वी विशवी कॉलर बर्ड जो कि आपको देखने को मिलती है इन द सिंपल लीफ, दैट दीन्स ये कंडीशन पहली वाली करेक्ट है ठीक है फिर हम देखते हैं कंपाउंड लीव का केस मान लीजिए इस बार स्टेम पर एक कंपाउंड लीव लगी हुई है सो द लीफ इज गोइंग टू बी कंपाउंड कुछ इस तरीके so, इस तरीके से। कंपाउंड लीफ यानी कि ये देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक लीफ है ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज ये लीफ लेट्स होती हैं। ये मैंने आपको मेरे कॉन्सेप्ट एड वाली वीडियो में क्लियर किया था ओके okay? तो so, इस लीफ और इस स्टेम के एक्सल में भी आपको यहां पर बर्ड देखने को मिल सकती है ठीक है दैट मीनस कंपाउंड लीफ के एक्सल में भी आपको देखने को मिल सकती है द

दीज़ आर ट्स सो रैकेस और लीफ के बेस में या बीच में आपको यहां पर कोई बर्ड देखने को नहीं मिलेगी राइट right? तो अगर यहाँ पर ये यह बर्ड प्रेजेंट है ऑब्वियसली ये कंडीशन रॉन्ग है क्योंकि आपको रैकेस और लीफलेट के बीच में बर्ड देखने को नहीं मिलती है बल्कि आपको हमेशा जो मेन स्टेम होती है और जो लीफ होती है एंटायर लीफ ओके यानी कि लीफ क्या होगी कंपाउंड लीव के केस में नंबर ऑफ लीफलेट्स का जो कॉम्बिनेशन है राइट तो उसके बीच में आपको देखने को मिल सकती है दी एक्सिलरी बर्ड बट यहाँ पर रैकेस और लीफलेट के बीच में कोई भी एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट नहीं होगी राइट तो इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन तो हमेशा के लिए ऐसे एलिमिनेट कर देंगे ठीक है तो हमारे पास सिंपल लीव और कंपाउंड लीफ का ऑप्शन अलग अलग भी है और साथ भी है तो इसका मतलब ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन डी इट ओके तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 को दैट इज बिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पामेटली कंपाउंड लीफ सो हमसे पामेटली कंपाउंड लीफ के एग्जांपल को यहां पूछा जा रहा है सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रोज ऑप्शन बी नीम ऑप्शन सी सिल्क कॉटन या ऑप्शन डी चाइना रोज तो याद कीजिए पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होती थी

टली कंपाउंड लीफ सो so, पामेटली कंपाउंड लीफ में आपको ये जो कॉमन पॉइंट देखने को मिल रहा है दिस इज यूजुअली द टिप ऑफ पीटीओल ओके सो ये पीटीओल जा रहा है एंड आपको ये डिफरेंट डिफरेंट क्या दिख रही हैं? दीज आर द लीफलेट्स सो दीज आर दीफ स्ल्स जिनसे जो कि अटैच है एंड द कॉमन पॉइंट विच इज टिप ऑफ द दिटियोल सोर ऑप्शन जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं दैट इज रोज नीम सिल्क कॉटन एंड चाइना रोज इसमें से द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी सिल्क कॉटन सिल्क कॉटन के केस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है राइट right? देखिए रोज और नीम के केस में आपको पामेटली कंपाउंड नहीं बल्कि पिनेटली कंपाउंड लीव देखने को मिलती थी वही अगर चाइना रोज की बात करें यानी कि हाईबिस्कस की तो वहाँ आपको कंपाउंड लीव ही देखने को नहीं मिलती वहाँ आपको देखने को मिलती है एक सिंपल लीव सो अवर फाइनल ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी सिल्क कॉटन तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर फोर्टीन को दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड तो so अगेन यहाँ पर आपको कुछ पेयर दे रखे हैं और इस बार हमको फाइंड करना है उस पेयर को जो कि करेक्टली मैच्ड है सो अवर ऑप्शन ऑप्शन ए वेनेशन विच इज मैच्ड विथ अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द स्टेम और ब्रांचेस क्या ये करेक्ट है नो, दिस इज़ ंगशन होता है वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट ऑन द लीफ लैमिना बल्कि यहां पर जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ब्रांच और स्टेम लिखा हुआ है दैट इज फिलोटैक्सी इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग राइट देन अगर हम बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की दैट इज इन फ्लोरसेंस अटैच विद द अरेजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स ऑन दस क्या यह करेक्ट है नो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स ऑन द दैलमस नहीं होता है इनफ्लोरसेंस इनफ्लोरसेंस होता है द अटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स और द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस ठीक है दैट मींस ये भी हो गई रॉन्ग ठीक है देन वी हैव ऑप्शन सी दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीव यहाँ पर लीव स्लेट्स आर अटैच टू अ कॉमन एक्सेस कॉल्ड द रैकेस क्या ये करेक्ट है येस दिस वन इज़ करेक्ट बिकॉज मैंने आपको बताया है पिनेटली कंपाउंड लीव के केस में जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन एक्सेस पे जुड़ते हैं जिसे हम रैकेस बुलाते थे याद है ना आप सबको एक पिनेटली कंपाउंड लीव जिसको कि देखिए आप यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, यहाँ पर मैं रफली बना देता हूँ अभी मैंने पिछली ही डायग्राम अपनी स्लाइड में इसको ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पर आपको जितनी भी लीफलेट्स हैं देखिए एक कॉमन एक्सेस पे दिखाई दे रहे हैं एंड दिस कॉमन एक्सेस वॉज कॉल्ड द रैकेस तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है दैट इज परफेक्टली करेक्ट सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की दैट इज फिलो टैक्सी तो फिलो टैक्सी को यहाँ पर अरेंज किया गया है विद द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीव ब्लेड यहाँ पर बेसिकली इंटरचेंज कर दिया है फिलोटैक्सी को सो so, फोटैक्सी के केस में लीव का अरेंजमेंट देखा जाता है ऑन द स्टेम और द ब्रांच वाइल अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स होता है विनेशन तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को दैट सेज विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट अल्टरनेट फिलोटैक्सी सो दिए हुए ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन को करना है आइडेंटिफाई जो कि अल्टरनेट फिलोटैक्सी शो नहीं करते हैं सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चाइना रोज ऑप्शन बी कैलोट्रोपस ऑप्शन सी मस्टर्डी ऑप्शन डी मैंगो सो ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी आप सभी को याद होगी ना ऐसी फिलोटैक्सी जहां पर आप एक स्टेम पर जो नोड्स हैं उसमें हर नोड पे आपको एक ही लीव लीवराइज करती हुई दिखेगी वो भी ऑल्टरनेटली अगर एक लेफ्ट तो दूसरी राइट right. तो so, ये अरेंजमेंट है ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी का बट आपको फाइंड करना है उस वाले ऑप्शन को जहाँ पर ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी तो याद कीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है चाइना रोज के केस में तो आपको देखने को मिलता है ना ऑब्वियसली यहाँ पर ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी कैलोट्रॉपस वो ऑप्शन है जहां ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है तो कैलोट्रोपस केस में हमको देखने को मिलती है ऑपोजिट फिलोटैक्सी सो यहाँ पर क्या होता है ऑपोजिट फिलोटैक्सी में भाई एक ही नोट पे दो लीव्स अराइज करेंगी ठीक है तो ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन द कैलोट्रोपस इसके बारे में मैंने आपको बताया था इन्हें हम मिल्क वीड्स भी बुलाते हैं राइट और आप सभी ने बहुत कॉमनली इनको देखा होगा ग्रो करते हुए आपके आसपास तो इसको कॉमनली हम हिंदी में अकौ भी बुलाते हैं सो so, आप इनको रिलेट कर सकते हैं तो कैलोटॉपिस में आपको ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी नहीं देखने को मिलेगी आपको देखने को मिलेगी ऑपोजिट राइट सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी कैलोटॉपिस तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर दैट इज अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट वर्ल्ड फिलोटैक्सी तो हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से हमें उस ऑप्शन को करना है फाइन जो शो करता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी और वर्ल्ड फिलोटैक्सी आप सभी को याद होगी राइट right? क्या होती है वर्ल्ड फिलोटैक्सी जहां पर स्टेम के नोट्स पर एक नोट से मोर देन टू लीव्स अराइव करते हुए दिखे आपको राइट right? कुछ इस तरीके से सो so, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड

ऑपोजिट फिलोटैक्सी अगर हम मस्टर्ड ओ चैनर की बात करें सो डे शो विच टाइप ऑफ फिलोटैक्सी ऑल्टरनेट राइट सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी एल्स्टोनिया

बिकॉज आपको याद होगा क्लैडोड एंड फाइलोक्लेड दोनों के दोनों लीफ मॉडिफिकेशन नहीं है दे आर स्टेम मॉडिफिकेशन इसका मतलब ये ऑप्शन तो यही एलिमिनेट कर दीजिए वाइल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं स्टेम भी होते हैं और लीफ टेंड्रल्स भी होते हैं और फाइलोड तो है ही भाई तो फाइलोड याद कीजिए ये क्या होते थे मैंने आपको पहले भी बताया है फाइलोड जो हैं दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ पेटियोल जहाँ पर वो फ्लैट होकर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और ये देखा जाता था

प्लांट के केस में जो पिक्चर आपको देखने को मिलता है ना जस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर वो बेसिकली किस चीज का मॉडिफिकेशन है सो ऑप्शन आर ऑप्शन ऑप्शन बी लीव बेस ऑप्शन सी लीफ लैमिना या ऑप्शन डी द लीफ एपेक्स सो याद कीजिए पिक्चर प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था आपको कुछ ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता था राइट right? कुछ इस तरीके से जहां पर आप एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे हम क्या कहते थे पिक्चर और यहां पर एक लिड होती थी विच वी कॉल एज लिड राइट तो ये आपको ये लिड देखने को मिल रही है सो so ये जो पिक्चर है ये किस चीज का मॉडिफिकेशन है लीफ का आपको पता है ना इंसेक्टिव इंसेक्टिवरस प्लांट के केस में लीफ ही मॉडिफाई हो रही है सो so, पिक्चर जो है वो लीफ के लैमिना का मॉडिफिकेशन होता था, था याद है आप सबको सो so, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी लीफ लैमिना ओके वाइल जो ये लिड आपको देखने को मिल रही है वो लीफ एपेक्स का मॉडिफिकेशन है सो डू रिमेंबर दिस फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन सी तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 19 को दैट इज रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड सो भाई फ्लोरल uh, स्टॉक जिसे हम पेडिसल कहते हैं उसके बेस पे आपको एक रिड्यूस्ड लीव देखने को मिलती है जिन्हें हम क्या कहते हैं वो हमसे पूछा जा रहा है अब ऑप्शन दो ऑप्शन ए स्टिप्यूल ऑप्शन बी केलेक्स ऑप्शन सी ब्रैक थी ऑप्शन डी लीफलेट लेट सो देखिए फ्लावर की बात की जा रही है यहाँ पर बिकॉज आपको पता है पेडिसल जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोरल स्टॉक को कहते हैं हम राइट तो फ्लोरल स्टॉक पर आपको जो रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं क्या हम उनको स्टिप्यूल बुलाते हैं नहीं ना स्टिप्यूल आपको देखने को मिलती थी एट द बेस ऑफ द लीफ लीफ के बेस से जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर करती हुई दिखती थी दोज वर्स ट्रिप्यूल्स केलेक्स तो भाई एक फ्लोरल वर्ल ही है है ना ब्रैक्ट की बात की जाए तो ब्रैक्ट है वो रिड्यूस्ड लीव जो कि आपको यहाँ पर पेरिसल के बेस पे देखने को मिलेंगी तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी ब्रैक्ट वाइल्ड लीफलेट वुड नॉट बी एसोसिएटेड भाई लीफलेट तो आपको लीफ में देखने को मिलेंगे ना बट वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द फ्लावर सो दिस ऑप्शन वुड ऑल्सो भी एलिमिनेटेड फाइनल ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी को दैट दट इज आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द साइमोस इन से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई तो फिर ऑप्शन आर ऑप्शन ए मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन टू अ फ्लावर यानी कि इस स्टेटमेंट में हमसे बोला जा रहा है जो मेन एक्सेस होती है साइमोस इन फ्लोरसेंस केस में वो टर्मिनेट करती है इंटू अ फ्लावर क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है Yes, ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है रिलेटेड टू साइमोस राइट तो इसका मतलब इस ऑप्शन को हम कर देंगे एलिमिनेट ठीक है अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की दैट इज ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द बेस क्या ये करेक्ट है नो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और इसी को करना है हमें आइडेंटिफाई राइट right? क्योंकि देखिए आपको पता है साइमोस इनफ्लोरसेंस के केस में जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो हमेशा टिप पे प्रेजेंट होता है और यंगेस्ट हमेशा आपको बेस पर नज़र आएगा दैट मीन्स इस टाइप के सक्सेशन को हम कहते थे द बेसी पेटल सक्सेशन ओके तो दैट मीन्स ये ऑप्शन डी जो है ये भी करेक्ट है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स शो बेसी पेटल सक्सेशन तो इसको भी एलिमिनेट किया जा सकता था एंड ऑप्शन सी की बात की जाए यंगर फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे एट द बेस ये भी करेक्ट था इसीलिए इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी वन को दैट सेज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शो एक्ट्रनोमॉर्फिक कंडीशन तो दिए हुए आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में से फाइंड आउट करना है कि कितने एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि एक्टिनोमोर्फिक कंडीशन यानी कि ऑब्वियसली रेडियल सिमेट्री शो करते हैं सो so, देखते हैं हमारे ऑप्शन को सो so, पहली चीज़ आपको गुलमोहर दे रखा है तो गुलमोहर बिलोंग करता है टू द फैमिली फेबेसी आपको पता है जितने सिलेबस में आपकी फैमिलीज प्रेजेंट हैं उसमें केवल एक ही फैमिली इधर पर ऐसी है जो कि साइगोमॉर्फिक कंडीशन शो करेगी दैट इज द फेबेसी तो इसका मतलब गुलमोहर विल नॉट शो कंडीशन इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं कैना की तो कैना जो है वो फ्लावर ही ए सीमेट्रिक है मतलब वो सीमेट्री शो ही नहीं करता है इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा फिर अगर हम बात करते हैं केसिया की तो केसिया अगेन इज अ मेंबर ऑफ फैमिली फेबेसी हेंस ये भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन शो नहीं करेगा नेक्स्ट वी हैव इज लिली तो लिली बिलोंग करता है टू द फैमिली एसी और लिलियसी में आपको ऑब्वियसली एक्टिमोर्फिक कंडीशन दिखती थी ना इसका मतलब ये शो करेगा एक्टिडोम कंडीशन नेक्स्ट वी हैव मस्टर्ड दट बिलोंग्स टू फैमिली ब्रासिके सी वहां पर भी एक्टिवर्फिक कंडीशन देखने को मिलती थी इज इन डेड देन वी हैव सोलेना बिलोंग करेगा किस फैमिली को सोलेनेसी को और वहाँ पर भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है ब्रिंजल भी सोलेनेसी को बिलोंग करता है तो ये भी शो करेगा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन टर्ननेप बिलोंग करता है टू द फैमिली ब्रासिकेसी इसीलिए ये भी शो करेगा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देन वी हैव सेसबेनिया तो सेसबेनिया जो है वो बिलोंग करता है टू द फैमिली सेबेसी इसीलिए ये शो नहीं करेगा एक्टिनोम कंडीशन इट विल बी जयगोम एंड लास्टली वी हैव पिटोनिया तो पिटोनिया भाई किसको बिलोंग करता है बिलोंग करता था टू द फैमिली सोलेनेसी इसका मतलब ये भी शो करेगा एक्चिड कंडीशन तो टोटल कितने फ्लावर्स हैं भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो देर आर गोइंग टू बी सिक्स यू नो एग्जाम्पल्स जो कि शो कर रहे हैं एक्टिवॉर की कंडीशन तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी टू को दैट इस विच आर द फॉलोइंग डज नॉट शो ट्विस्टेड एस्टिवेशन तो बेसिकली हमको यहाँ पर उस एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना है जो कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो नहीं करते हैं सो आवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए ओकरा दैट इज द लेडीज फिंगर राइट ऑप्शन बी चाइना रोज ऑप्शन सी कॉटन ऑप्शन डी पी तो देखिए मैंने आपको बताया था मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले वीडियो में ट्विस्टेड एस्टिवेशन बेसिकली एक फैमिली होती है जिसका नाम है मालवेसी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओके okay? सो so, मालवेसी के मेम्बर्स शो करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन इस फैमिली को हम कॉमनली बुलाते हैं द कॉटन फैमिली ओके सो कॉटन फैमिली इसको बुलाते हैं तो इसका मतलब आप देखिए यहाँ पर कॉटन तो डेफिनेटली ये कंडीशन शो करेगा ना ट्विस्ट डेस्टिवेशन इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए और इसी फैमिली को बिलोंग करता है हाईब्रिस्कस दैट मीन्स ये भी शो करेगा ट्विस्ट डेस्टिवेशन दैट इज चाइना रोज आल्सो एंड ओकरा दैट इज ओकरा जिसका कि आप साइंटिफिक नेम जानते हो दैट इज एबल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस जो कि है द साइंटिफिक नेम फॉर ऑब्वियसली भिंडी है ना जिसको कि हम लेडीज फिंगर भी बुलाते हैं तो अनदर नेम इज ओकरा और ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है दैट मीन्स ये भी ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करेगा इसलिए इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा सो वी आर फाइनली लेफ्ट विद ऑप्शन डी दैट इज पी पी के केस में आपको एक स्पेशल एस्टिवेशन देखने को मिलती थी दैट कॉल्ड एस्टिवेशन और पैपिल्युनेशियस एस्टिवेशन राइट सो ये वाला ऑप्शन है करेक्ट सो द फाइनल ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी थ्री दैट आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेक्लरी और पैपिलुनेशियस्टिवेशन सो वैक्लरी और पेपिलोनेशन एस्टिवेशन से रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई ठीक है तो अब स्टेटमेंट ए इज द लार्जेस्ट पेटल वैक्जिलम इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली तो वैक्सीलरी एस्टिवेशन में पोस्टीरियर साइड पे जो लार्जेस्ट पेटल है उसको हम वैक्जिलम बुलाते थे ये करेक्ट है ना so, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है हेंस इसको हम कर देंगे एलिमिनेट याद है आप सबको वैक्जिलरी एस्टिवेशन जिसमें कि मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर देता हूँ सो so, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी सो so, आपको कुछ इस तरीके से दिखता है जहां पर पोस्टीरियर साइड पे यू विल फाइंड द लार्जेस्ट पेटल कॉल्ड द और द स्टैंडर्ड ओके अगर हम बात करें तो पेटल्स की आर कॉल्ड द कील क्या ये करेक्ट है नो no. ये वाला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट और इसी को हमें फाइंड करना है राइट right? जो लेटरल पेटल्स आपको यहां दो देखने को मिलेंगे दीज आर नॉट कॉल्ड द कील इनको हम कहते थे द विंग्स ओके या इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं द एले ओके okay, ओके तो तो और आले जो है, they are the lateral petals, जो कि पर wrongly हो गया है है okay? तो इसका मतलब ये है वो incorrect statement जैसे हमें करना था फाइंड अगर हम देखते हैं रिमेनिंग टू स्टेटमेंट्स को भी तो देखिए सी ऑप्शन आपको जो लास्ट के दो एंटीरियर पेटल देखने को मिल रहे हैं विच आर कॉल्ड कील ये आपस में फ्यूज्ड हैं, तो दे आर यूनाइटेड और इसका मतलब ये करेक्ट है इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए देन वी हैव ऑप्शन डी दैट इज वैक्सिलम ओवर लैप द विंग्स तो जो वैक्सिलम है ये देखिए ओवर लैप कर रहा है द विंग्स तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है और हेंड वुड बी एलिमिनेटेड सो द फाइनल ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर को दैट ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस फ्लावर फ्लावर तो ऐसा जो कि है उसको हमें करना है आइडेंटिफाई फ्रॉम दीज गिवन ऑप्शन ठीक है तो देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता था भाई ऐसा फ्लावर जिसमें ओवरी सुपीरियर होती थी यानी कि थैलमस पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती थी ओवरी की बाकी सारी की सारी वर्ल्ड उससे नीचे आपको देखने को मिलेंगी ऐसा so, फ्लावर आपको कहा देखने को मिलेगा सो अगर ऑप्शन ऑप्शन ए रोज ऑप्शन बी ब्रासिका ऑप्शन सी या ऑप्शन डी रे फ्लोरिट्स ऑफ दी सनफ्लावर तो देखिए हम ऑब्वियसली रोज के केस में आपको अगर याद हो तो आपको हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती थी यानी कि वी वर टॉकिंग अबाउट वेरी गाइनस कंडीशन तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कर दीजिए यहीं पर एलिमिनेट वेन वी टॉक अबाउट ब्रासिका दैट इज मस्टर्ड राइट तो मस्टर्ड चाइना रोज इन सब में आपको देखने को मिलता था कंडीशन, राइट तो द करेक्ट ऑप्शन हियर बी ब्रासिका वही अगर हम बात करें गोवा की एंड रे फ्लोरिवर की तो यहाँ पर आपको इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी दैट इज एपी गाइनस कंडीशन यानी कि ये दोनों ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दीजिए द करेक्ट ऑप्शन दैट शोज हाइपो कंडीशन वुड बी ब्रासिका और द मास्टर राइट तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी फाइव के साथ दैट फेज मैच द टाइप ऑफ फ्लोरल एस्टिवेशन इन कॉलम वन विद एग्जाम्पल गिवन इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन तो आपको यहाँ पर कॉलम वन और कॉलम सेकंड के आइटम्स को करना है मैच और फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन तो कॉलम वन में आपको कुछ एस्टिवेशन दे रखी हैं और कॉलम सेकंड में उनके एग्जाम्पल्स तो करिए करेक्टली मैच इनको और फाइंड आउट करते हैं करेक्ट ऑप्शन ओके तो पहले आपको दे रखा है एमरिकेड एस्टिवेशन या आप बेसिकली ना जनरलाइज करके देखिए आपको सबसे ईजिली कौन सा रिलेटेबल लगता है सबसे पहले हमारे पास थर्ड कंडीशन देखिए ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में मैंने अपने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था ट्विस्टेड एस्टिवेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है फैमिली मालवेसी का जिनके जिसको हम कॉमनली बुलाते थे कॉटन फैमिली राइट जिसमें मालवेसी में आपको एग्जाम्पल में कॉटन लेडीज फिंगर और ऑब्वियसली चाइना रोज तो देखने को मिलेगा ही तो यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन का कौन सा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है दैट इज कॉटन राइट तो यहाँ पर थर्ड को आप मैच कर लीजिए विद फर्स्ट तो देखिए आपको ढूंढना आसान हो जाएगा थर्ड वाला मैच कर रहा है ए के साथ ओनली इन टू ऑप्शन राइट बी और डी में ये कंडीशन एबसेंट है इसका मतलब हम इन दो ऑप्शन को कर देंगे एलिमिनेट अब देखिए एक और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि एस्टिवेशन बनती है दैट इज पैपिलियोनेचर्स जिसको हम वेगजिलरी एस्टिवेशन भी कहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता था ऑफ द फैमिली जिसका कि मेंबर आपको यहाँ पर ढूंढना है तो देखिए क्या पाइजम सोलनम या गुलमोहर में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी तो देखिए बेस्ट मेंबर जो आपको यहां मैच करता हुआ वह देखेगा वुड बी द पाइजम द पी फैमिली राइट तो ऑब्वियसली इसलिए पाइजम वुड बी द पी ओके तो इसका मतलब इज गोइंग टू मैच विद पाइजम फिर अगर हम देखते हैं सेकंड मैच कर गया विथ द बी तो हमारे पास दो ऑप्शन है सेकंड बी से केवल यही मैच कर रहा है एंड ये वाला डी से मैच कर रहा है इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहीं पर एलिमिनेट हो गया ओके सो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बट हम रिमेनिंग ऑप्शंस को भी यहां पर मैच कर लेते हैं राइट तो देखिए अगर मैं बात करूं वैलवेड एस्टिवेशन की तो वैल्युड एस्टिवेशन के लिए आपके पास ऑप्शन बच रहे हैं या तो सोलेनम या फिर गुलमोहर तो सोलेनम एज यू नो बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी और सोलेनेसी की फीचर देखिए आप वहां पर आपको उनके कैलेक्स का रोला दोनों में ही वैलुड एस्टिवेशन देखने को मिलता है दैट मीन्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड हियर बी द सी सो फोर्थ यहां पर सी से मैच कर रहा है तो ये यह देखिए यहां पर भी फोर्थ सी से मैच करेगा ओके एंड फाइनली इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको यहां पर मैच करता हुआ दिखेगा विद द गुलमोहर सो द फर्स्ट विद द फोर्थ तो जो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा दैट इज फर्स्ट विद द डी वन सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी

तो आपको ये दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं इसमें अगर मैं इसका एक कट सेक्शन आपको दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देगा सो so, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखेगा और मैं इसको और कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूं समथिंग लाइक दिस ओके okay? तो ये कट सेक्शन इसका आपको दिखाई दे रहा है ऑफ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दो लोब्स हैं दिस इज़ वन लोब एंड दिस इज लोब और यहां पर आपको कुछ चेंबर्स दिखाई देंगे तो हर लोब में आपको दो चेंबर दिखाई दे रहे हैं दीज आर दोलन चेंबर्स जिनके अंदर क्या फिल्ड होंगे ऑब्वियसली द पोल राइट तो यहां पर आपको पोलेंस देखने को मिलेंगे इनसाइड दिस चेंबर्स ओके एंड ऑब्वियसली अगर एक यू नो लोब में दो चे, आपको चेंबर्स देखने को मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली दो लोब्स में आपको कितने देखने को मिलेंगे डेफिनेटली फोर चेंबर्स देखने को मिल रहे हैं सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी दैट इज फोर सो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं द प्रॉब्लम नंबर 27 दैट सेज Of could be seen in. So, की आपको कहाँ देखने को मिलती है तो एपीपेटल कंडीशन आपको याद है ना ये एक एडेजन वाली कंडीशन होती थी जहाँ पर स्टेमेंट जो है वो किसी और वर्ल्ड से अटैच होता था कौन सी है वो वर्ल्ड डेफिनेटली आंसर आपके यही वर्ड में ही मिलेगा दैट इज राइट दैट इज द कोरोला सो स्टेम का फ्यूजन विथ कोरोला आपको इनमें से किन एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा सो so, ये कंडीशन मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी ऑफ सेवरल फैमिलीज बट उसमें से जो हमारे सिलेबस में है दैट इज गोइंग टू बी सोलेनेसी। सो लिली से आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज यहां पर पेटल्स वर्ड के लिए बात की जा रही है वहां पर आपको पेटल्स नहीं देखने को मिलते हैं वहां आपको टेपल्स देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ लिलियसी तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बचती है दैट इज ऑफ सोलेनेसी तो हमको यहाँ ऑप्शन में से फैमिली सोलेनेसी के ही एग्जाम्पल को करना है आइडेंटिफाई तबर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्राइफोलियम ऑप्शन बी सोलेन ऑप्शन सी ब्रासिका ऑप्शन डी इंडिकोफेरा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी सोलेम नाम से ही आपको इसका इंडिकेशन मिल गया है फैमिली सोलेनेसी राइट अगर हम बात करते हैं ट्राईफोलियम की तो ट्राइफोलियम इवन इंडिगोफेरा बोथ आर फ्रॉम फैमिली फेबेसी तो वहां आपको ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी वहां पर स्टेमेंट जो है वो कोहेजन शो करते हैं टू तो फॉम डायट अल्फस कंडीशन बट वो वाली कंडीशन जहां पर स्टेम्स फ्यूज कर रहे हैं विद द पेटल्स वो नहीं देखने को मिलती है राइट तो एपी पेटल कंडीशन फेबेसी में नहीं देखने को मिलेगी एंड अगर बात करें ब्रासिका की तो ब्रासिकेसी में तो आपको स्टेम्स फ्री देखने को मिलते हैं और टेट्रा कंडीशन देखने को मिलती है बट एपी पेटलिस कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी तो इसका मतलब अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इट तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी दैट से विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज शो टेट्रा डायनेमिक कंडीशन सो किस फैमिली में आपको टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन देखने को मिलती है सो आई नो आप सभी को इसका आंसर पता है बाई द टाइम आई एम रीडिंग दी ऑप्शन आप जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दीजिए दैट इज ऑप्शन ए सोलेनेसी ऑप्शन बी लिलियेसी ऑप्शन सी फेबेसी या ऑप्शन डी ब्रासिकेसी सो द करेक्ट ऑप्शन वुड भी ऑप्शन डी ब्रासिकेसी जहां पर आपको फिलामेंट्स के ऑब्वियसली स्टेमेंट के फिलामेंट्स की लेंथ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा सो देर देर गोइंग टू बी टोटल सिक्स स्टेम जहां पर फोर वुड बी लॉन्गर एंड टू विल बी स्मॉलर राइट तो इसीलिए इसका नाम पड़ा टेट्रा डायनिज कंडीशन बिकॉज टेट्रा टेट्रामीस फोर एंड डायमींस टू ठीक है तो यहाँ पर टोटल सिक्स स्टेमेंट देखने को मिलेंगे जहां पर फोर इनसाइड वाले होंगे लॉन्गर एंड दो आउटसाइड यानी कि पेरीफेर रीजन में जो देखने को मिलेंगे दे विल बी शॉर्टर सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी नाइन को दैट फेस द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन विच ऑव्यूज आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा आर सेप्टाट तो बेसिकली हमको उस टाइप के प्लेसेंटेशन को दिए हुए में से करना है आइडेंटिफाई जहां पर ओव्यूल्स या प्लेसेंटा जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है और साथ ही साथ सेप्टा एबसेंट होगा ओके तो okay? so देखिए ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्जाइल ऑप्शन बी पेटल ऑप्शन सी बेजल या ऑप्शन डी फ्री सेंट्रल तो so देखिए मैंने आपको बताया था जितनी भी टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हमने पढ़ी है उनमें से सेंट्रल एक्सेस पे आप

एक्सेस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरी फेरी तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं देन अगर हम बात करें बेसल की तो बेसल के केस में आपको ओव्यूल और प्लेसेंटा का अटैचमेंट दिखेगा एट द बेस ऑफ द ओवरी दैट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया अब फ्री सेंट्रल और एक्साइल बचे तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है दैट द सेप्टा इज गोइंग टू बी ऑप्शन तो जब भी इसका मतलब क्या हो रहा है जब भी ऐसा आपको प्लसेंटेशन देखने को मिल रहा है जब भी ओवरी फ्यूज कर रही हैं डिफरेंट टू फॉर्म यू नो दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा तो आप देखेंगे इनकी ओवरी की जो वॉल है वो भी डिजॉल्व हो रही है फ्रॉम इनसाइड यानी कि अंदर की जो सेप्टेशन थी वो गायब हो जाएगी इसका मतलब ओवरी होगी यूनिलाक्यूलर और यूनिलाक्यूलर की कंडीशन आपको एक्साइल में देखने को नहीं मिलती थी एक्साइल प्रेजेंटेशन मल्टीलॉक्युलर ओवरी का फीचर है दैट मीन्स यहाँ पर यह कंडीशन भी एलिमिनेट कर दी जाएगी दैट मीन्स अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी फ्री सेंट्रल तो फ्री सेंट्रल में क्या होगा जब डिफरेंट कार्पल्स फ्यूज करेंगे बाय द ओवरी तो उनके जो फ्यूज जब फ्यूजन होगा तो उनकी इनर वॉल्स कर जाएंगी क्या ऑब्वियसली डिजोल्व और जब वो फ्यूज़ करने के बाद डिजोल्व हो जाएंगी तो आपको एक ही चेंबर दिखाई देगा और आपको अरेंजमेंट कैसा दिखाई देता है फ्री सेंट्रल के केस में तो मैं एलएस के थ्रू आपको दिखाता हूं सपोज ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ऑफ दी ओवरी ओके जहां पर आपको सेंट्रल एक्सेस पे एक प्लासेंटा दिखाई देगा सो दिस इज द प्लासेंटा और इस प्लासेंटा पे आपको अटैच दिखाई देंगे द ओव्यूल्स कुछ इस तरीके से सो दीज आर ओव्यूल्स दिस इज द्लसेंटर और अगर मैं इसका एक सेक्शन काटू इस ओवरी का तो द सेक्शन आपको जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से होगा तो so सपोज ये ओवरी की वॉल है ओके okay, और ओवरी की वॉल में सपोज ये इसकी इनर वॉल है सो आर मेकिंग द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल और सेंटर में आपको ये दिखाई दे रहा है द कट सो ये आपको प्लसेंटा दिखाई देगा so, this is the placenta. And finally, आपको यहां दिखाई देगी वेरियस ओव्यूल्स सो दीज आर द ओव्यूल्स ओके तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है द फ्री सेंट्रल प्रसेंटेशन जहां पर देखिए कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है इनसाइड अगर सेप्टा नहीं है इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दो कॉल्स दे रखे हैं जिनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है करेक्ट ऑप्शन तो देखिए कॉलम वन में आपको प्रेजेंटेशन के टाइप दे रखे हैं और कॉलम सेकेंड में आपको उनके एग्जाम्पल्स तो आपको उनको करना है करेक्टली मैच और फाइन करना है करेक्ट

ऑब्वियसली कॉमन नेम पी होता है वो शो करेगा मार्जिनल प्लाजेंटेशन और मैंने आपको पी पॉट का एग्जाम्पल सेवरल टाइम दे रखा है जहाँ पर आपको मार्जिन पे अरेंज दिखेंगे द सीड्स ओके ठीक है फिर अगर हम बात करें बेसल की तो बेसल प्लाजेंटेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको फैमिली एस्टेरेसी में देखने को मिलता था जिसमें सनफ्लावर्स आते हैं तो इसका मैच आपको देखने को मिलेगा विद द सनफ्लावर तो पहले तो हम कुछ मैचिंग के थ्रू अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं राइट right, अगर आप श्योर शर्ट हैं कि मार्जिनल पाइजन से मैच कर रहा है दैट मीन सेकंड डी से तो सेकंड डी आपको केवल एक ही केस में देखने को मिल रहा है ओवर हियर दैट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट बाकी सभी के सभी इनकरेक्ट है ओके okay? सो so, अगर हम देखते हैं बाकी के मैच करके तो देखिए बेसल को मैंने मैच किया विथ सनफ्लावर तो थर्ड इज मैचिंग विथ ए तो थर्ड यहाँ पर मैच कर रहा है विथ ए दैट्स करेक्ट ठीक है फिर अगर बात करते हैं पेराइटल की तो पेराइटल प्राजेंटेशन आपको यूजुअली ऑब्वियसली पेरीफेरी में अरेंज्ड ओव्यूल प्रेसेंटा देख रहे हैं तो वो मस्टर्ड यानी कि फैमिली ब्रासिक का आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था तो पेराइटल प्राजेंटेशन आपको देखने को मिलता था इनकेस ऑफ मस्टर्ड और साथ ही साथ मस्टर्ड के सीड से ही रिजेंबल करते हुए एक पर्टिकुलर प्लांट के सीड है जैसे हम कहते हैं आर्जीमोल सो तो पेराइटल को मैच किया जाएगा विथ C that is RJ mode. So first is going to be matched with the C, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है. And lastly we have free central. तो वो आपको देखने को मिलता है in case of dianthus and prime roles. तो so dianthus यहाँ mentioned है, तो इसलिए हम इसको यहाँ match कर देंगे. So fourth with the B one. तो so यानी कि fourth over here is matching with B, and hence the final option which is going to be correct would be option A. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर so, करना है एग्जाम्पल जिसमें आपको एक यूनिलॉक्यूलर ओवरी बायोक्युलर दिखाई देती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम सो फॉल सेप्टम को हम क्या बुलाते थे द रेपलम सो इसको हमने कहा पढ़ा था वी स्टडिड दिस फीचर इन

आपको इन दोनों के बीच में एक फॉल सेप्टम देखने को मिलता था विच वॉज कॉल्ड रेप्लम और यही डिवाइड कर देता था द यूनिलॉक्युलर ओवरी इंटू बायलॉक्युलर सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर थर्टी टू दैट फेज द फ्रूट ऑफ मैंगीफेरा इंडिका इज तो हमसे पूछा जा रहा है मैंगीफेरा इंडिका के फ्रूट के बारे में सो मैंगी वेरा इंडी बेसिकली क्या है ऑब्वियसली मैंगो और मैंगो का रेफरेंस मैंने आपको दिया था जब मैं आपको फ्रूट पढ़ा रहा था इन माई कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो तो so, आपको पता है उसके फ्रूट को हम क्या कहते हैं जल्दी से आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी लेग्यूम ऑप्शन बी कैप्स्यूल ऑप्शन सी सिलिकवा या ऑप्शन डी ड्रूप तो मैंने आपको मैंगो और कोकोनट का एग्जांपल देके बताया था कि इनके फ्रूट को हम बुलाते हैं द ड्रूप

और टेगमेंट उसकी क्या होती थी इनर लेयर राइट तो सीड की जो कवरिंग है कॉल्ड द सीड और राइट तो अगर ऑप्शन ए चलाजा ऑप्शन बी आउटर इंटेग्यूमेंट ऑप्शन सी इनर इंटेग्यूमेंट या ऑप्शन डी क्यूनिकल सो देखिए आप सभी को पता है कि सीड अराइज करता है फ्रॉम ओव्यूल राइट ओव्यूल so, से अगर सीड करेगा तो इमेजिन कीजिए सपोज दिस इज द अव्यूल ओके सो आपको पता है अगर सीड बन रहा है फ्रॉम ओव्यूल तो सीड की जो बॉल होती है या सीड कोट होता है वो ओव्यूल के वॉल से डेवलप होगा राइट तो देखिए ओव्यूल की जो वॉल है दैट विल फॉर्म द सीड कोट इज़ इंटेड और आपको पता है ओब्यूल की वॉल कौन बनाते हैं द इंटेग्यूमेंट्स राइट और अगर आप देखते हैं इनर इंटेग्यूमेंट तो ऑब्वियसली आउटर इंटेग्यूमेंट सीड कोट की आउटर लेयर को यानी कि टेस्टा को फॉर्म करेगा राइट right? और जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो बनाएगा सीड कोट की इनर वॉल को या इनर लेयर को इन so लेसली जो इनर लेयर थी उसी को तो हम बुलाते थे राइट सो right? so इसका मतलब क्या हुआ tagman ही डेवलप होगा फ्रॉम द इनर इंटेग्यूमेंट ओके सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी इनर इंटेग्यूमेंट राइट आउटर इंटेग्यूमेंट से क्या डेवलप होगा द टेस्टा दैट इज द आउटर सीड कोट लेयर ओके ओके

तो याद करने की कोशिश कीजिए हमारे सिलेबस में जितनी भी फैमिली हमने पढ़ी हैं उन सभी के केस में आपको देखने को मिली है सुपीरियर ओवरी राइट तो इसका मतलब obviously, आपको देखने को मिल रही है यानी कि ओवरी जो है या गाइनोशियम जो है वो थ्री की फ्यूजन से बनकर बन रहा है राइट द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी दैट इज और हमें करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन को करना है आइडेंटिफाई आई होप आप सभी को याद होगा चाइना रोज बिलोंग करता है Malvasi, okay? और मालवेसी फैमिली जैसे हम कॉटन फैमिली भी बुलाते हैं बिकॉज कॉटन भी उसमें एक मेम्बर है okay?

जो एस्टिवेशन है क्या वो वेल्वेट होता था नो no. याद कीजिए वेलवेट एस्टिवेशन नहीं होता है इनका फीचर। जो पेटल्स हैं वो यू नो स्पेशल एस्टिवेशन शो करते हैं जो उनकी एंटायर फैमिली का ही फीचर होता है ओके, बट दैट इज नॉट वेलवेट एस्टिवेशन राइट तो ये ऑप्शन हम कर देंगे एलिमिनेट ओके देन वी पर आपको कंडीशन दे रखी है तो तो ये शो करते नहीं है राइट right? आपको पता है ओनली फैमिली है आपके सिलेबस में जिसके शो करते हैं. Means, ये वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट राइट तो और देखिए साथ ही साथ ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज right? तो, साथ यहाँ पर भी है. इसका मतलब ये भी कर दीजिए एलिमिनेट वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन सी एंड यू नो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हम तीन ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं

कुछ इस तरीके का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है देखिए ये अगर एक पेटल है तो पेटल का एक मार्जिन देखिए नेक्स्ट वाले पेटल को ओवरलैप कर रहा है वाइल्ड उसका जो नेक्स्ट मार्जिन है उसी पेटल का वो ओवरलैप हो रहा है बाय दी अदर पेटल सो so, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है इन फैमिली मालवेसी जिसका की मेंबर है चाइना रोज सो रोसियसली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी द ट्विस्टेड एस्टिवेशन हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी

तो देखिए अगर हम एक पेटूनिया के फ्लावर को अपने माइंड में इमेजिन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो फ्लावर से और ऐसे फ्लावर्स कहलातेमोर्फिक तो एक्टिनोम का सिंबल ये वाला होता है राइट और ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए बी एंड सी में बट ऑप्शन डी में आपको यहां पर कंडीशन दिखाई दे रही है इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कर दीजिए एलिमिनेट

इसका मतलब उसका सिंबल जो कि ऐसे मेंशन होता है, राइट right? वो यहाँ पर प्रेजेंट है इसका मतलब ऑप्शन ए फाइन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की फीमेल तो फ्लावर का यहाँ सिंबल नहीं है ठीक है अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो देखिए यहाँ पर भी आपको बाइसेक्चुअल फ्लावर हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन दे रही है और सी में से ही हमें फाइंड करना है अपने करेक्ट ऑप्शन को ठीक है अगर हम बात करते हैं अपनी गैमो सेप्लस कंडीशन देखिए यहां fused, तो पर आपको केलेक्स फाइव दिखा रहे दे रहे हैं और ब्रैकेट में देखें इसका मतलब गैमोसेप्लस कंडीशन शो कर रहे हैं यानी कि फ्यूज कंडीशन तो इसका मतलब यहाँ पर ये करेक्ट है साथ ही सी में भी ये करेक्ट है अगर हम बात करते हैं

आपको देखने को मिलेगा कंडीशन कंडीशन भी मेंशन है है देखिए फ्यूज एंड सुपीरियर तो इसका मतलब ये है वो फ्लोरल जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, so तो बच्चों देखते है अपनी प्रॉब्लम नंबर ओवरी विद ऑब्लिक सेप्टा एंड फ्रूट कैप्सूल और बेरी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ

और देखिए आपके सिलेबस में एक फैमिली ऐसी है जो कि यह कंडीशन शो नहीं करती है कौन सी थी वो फैमिली अब तक आप सभी को पता होगा ऑप्शन कर दीजिए यहां आपको कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ओवरी, तो आपको देखने को मिलती है राइट right? और ओब्लिक सेप्टा तो देखिए ओब्लिक सेप्टा अ कीवर्ड सो so, सेप्टा आपको किस फैमिली में देखने को मिलता था इन द ओवरी दैट वाज फैमिली सोलेनेसी राइट तो फैमिली सोलेनेसी जैसे हम पोटेटो फैमिली भी कहते हैं वहां आपको ओब्लिक सेप्टा देखने को मिलता है इन द ओवरी और वहां फ्रूट भी आपको कैप्सूल बेरी देखने को मिलता है दैट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी सोलेनेसी राइट और अगर आपको नहीं भी याद आ रहा होगा तो आपको यह याद होगा कि ब्रासिकेसी के, के केस में फ्रूट जो होता था वो कौन सा होता था दैट वाज सिलिक्वा नॉट बेरी और कैप्सूल

बी ऑप्शन ऑप्शन सी या D, तो देखिए आप सभी को आई थिंक अब तक अच्छे से याद हो चुका हो ये करते हैं family, Fibisi, देखते हो कैसे है वो पैपिलिनेशन यानी कि बटरफ्लाई शेप आपको देखने को मिलेगा राइट जो कि शो करता था एस्टिवेशन आल्सो राइट एंड यहां पर आपको डायगल्फ तो स्टेमेंट भी देखने को मिलते थे जहां पर फिलामेंट्स राइट to right? तो वो मैंने आपको बना के भी दिखाया है स्ट्रक्चर मोर्फोलॉजिकल नेचर क्या होता है अगर ऑप्शन एक्सलरी बर्ड ऑप्शन बी एडवेंटिड ऑप्शन सी एपाइकल बर्ड या ऑप्शन डी एक्से बर्ड तो देखिए आपको पता है पोटेटो बेसिकली क्या है एक मॉडिफाइड स्टेम है राइट right? कौन सा मॉडिफाइड स्टेम रिप्रेजेंट करता है ये दैट इज द ट्यूबर ओके तो ये क्या है एक मॉडिफाइड स्टेम तो देखिए अगर मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाऊं सपोज दिस इज वन पोटेटो ओके पोटेटो में और ऑब्वियसली बिकॉज ये एक स्टेम है तो स्टेम में आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या देखने को मिलता है स्टेम पर प्रेजेंट होती है नोट राइट right? तो आपने देखा होगा पोटेटो पे आपको ना कुछ ऐसे डिप्रेशन दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से ये जो डिप्रेशन है दे रिप्रेजेंट द नोट तो दिस इज द नोट ओके और यहां नोट पे आपको ना एक स्केलीफ अराइज करती हुई दिखती है सो दिस इज द स्केली और द स्केल लीव्स ठीक है और आपको पता है जो स्टेम की नोड होती है और जो लीफ होती है उनके बीच में जो स्पेस एम होती है उसे हम क्या बुलाते थे द एक्सिल तो अगर ये स्टेम है ये लीफ है तो ये स्पेस क्या कहलाएगी द एक्सल और यहां पर जो बट प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बुलाएंगे द एक्सिलरी बट सो ये है एक्सिलरी बर्ड देखिए so, आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिला बाय द यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर जिसमें आपको नोट देखने को मिल रहा है स्केली और देखने को मिल रहा है तो अब देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर जब एक साथ मिल रहे हैं तो दे अपियर लाइक एन आई ओके सो ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बन रहा है बिकॉज यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड की प्रेजेंस है सो ओवर हियर मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ दीज आई वुड बी द बीलरी बर्ड ओके सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए एक्सिलरी बर्ड

देखने को मिलता था जो की रेडिकल को कवर करता था और एंडोस्म फूड करेक्ट ऑप्शन डी स्क्यूटेलम तो बच्चो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे फ्रॉम द चैप्टर मोरफॉलो फ्लावरिंग प्लांट जहां पर आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया है प्रैक्टिस आई होप आप सभी को इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आया होगा अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न फ्री है पर बेस्ट है